लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो लिटरली आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो एज वी ऑल नो कि रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है और रेनी सीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की, डैंड्रफ की, एंड ड्राई एंड फ्रिजीनेस जो स्टार्ट हो जाती है जस्ट बिकॉज की वेदर में इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है कि आपके बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो भी गुम होने लगता है, जिसके कारण की बहुत ज्यादा ड्राइनेस एंड फ्रिजीनेस हो जाती है। तो अभी मैं फिलहाल यूज कर रही हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके अंदर की जो हीरो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे हेयर केयर हेल्थ के लिए, दीज आर ब्लैक सीड ऑयल, कास्टर ऑयल एंड भृंगराज। वी ऑल नो कि तीनों जो इंग्रेडिएंट है वो अपने आप में वरदान है हमारे बालों के लिए। तो या जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बात करने वाली हूँ, दीज आर जस्ट हर्ब्स हेयर केयर प्रोडक्ट्स। एंड इसके साथ आपको मिल जाता है एक शैम्पू, एक कंडीशनर एंड एक हेयर मास्क। बेसिकली ये जो पूरी रेंज है इसके अंदर आपको कैस्टर ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल एंड भृंगराज का अच्छा वाला कॉम्बिनेशन है। एंड वी ऑल नो कि जस्ट हर्ब्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दीज आर वीगन, पैराबेन फ्री, क्रूएल्टी फ्री एंड 100% हर्बल एक्टिव्स के साथ बने हैं। तो प्रॉपर इस रेंज के अंदर आपको कुछ तीन इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूं। मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई वॉन्ट माई 50K फैमिली वेरी सून एंड वो आप लोगों की हेल्प के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को जरूर से हिट कर दीजिएगा। सो यार, चलिए बात करते हैं वन बाय वन इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या इनके बेनिफिट्स है, कैसे आपको यूज करना है। गाइस, जो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है, दिस इज कास्टर एंड ब्लैक अनियन सीड हेयर मास्क। तो बेसिकली ये प्री एंड पोस्ट शैम्पू मास्क है जिसको आप शैम्पू से पहले भी यूज कर सकते हो, शैम्पू के बाद में भी एज ए हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हो, एज ए कंडीशनर अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली आपको अपने हेयर रूट से लेके अपने पूरी हेयर लेंथ पे इसको अप्लाई करना है एंड उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट्स अपने बालों को बहुत अच्छे से रैप करके, हॉट टॉवल से भी आप रैप कर सकते हो, अदरवाइज इस तरह की हीटिंग कैप के साथ भी आप अपने बालों को अच्छे से रैप करके 10 टू 15 मिनट्स के लिए रख सकते हो। एंड ये जो स्टेप है ना, मुझे सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग लगता है, जस्ट बिकॉज कि अगर हम हेयर स्पा के लिए भी जाते हैं सलोन वगैरह में तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, 15 से 20 मिनट्स हमें वहां बैठना होता है। एंड लिटरली मतलब जो एक हेयर सलोन में जाके आपको हेयर स्पा मिलती है, एज इट इज आपको इसका रिजल्ट मिलता है, जस्ट बिकॉज कि इसके जो इंग्रेडिएंट है ना, दीज आर अमेजिंग। लाइक फर्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर है कैस्टर सीड ऑयल, जो कि बेसिकली कैस्टर बीन्स को एक्सट्रैक्ट करके बना जाता है। ये बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट का मिक्सचर होता है जिसके अंदर की हमारे बालों को स्ट्रांग रखता है, हमारा जो हेयर ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है, साथ ही साथ में ड्राई स्कैल्प को नरिश करता है। तो बेसिकली जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है आपकी स्कैल्प का ड्राई होना। तो जैसे जैसे स्कैल्प ड्राई होगी वैसे वैसे बालों को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी और फॉलिकल को प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, जिससे कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली कैस्टर सीड ऑयल हमारे बालों की जो स्कैल्प होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, एज ए फूड माना जाता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है, दिस इज ब्लैक सीड, जिसको हम कलौंजी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बेसिकली आपके बालों की हेयर हेल्थ को रिस्टोर करते हैं, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एंड ये भी सेम जैसे आपके फॉलिकल को स्ट्रांगनेस होती है ना, वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके बालों की फॉलिकल, जो एक एक बालों की रूट्स होती है, अगर उनको प्रॉपर वो स्ट्रांग रखेंगे, प्रॉपर फूड उनको प्रोवाइड करेंगे, तो आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एंड उसके बाद इसका जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, दिस इज भृंगराज, जो बेसिकली मेडिकल प्लांट होता है जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके बालों में डैंड्रफ, ईचीनेस एंड जो प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उससे प्रिवेंट करती है। तो भृंगराज मतलब हमारे दादी नानी के टाइम से चलता आ रहा है और हमें सबको पता है कि ये जो तीनों इंग्रेडिएंट है ना, ये हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा काम करेंगे। सो बेसिकली इन तीनों प्रोडक्ट्स में आपको ये तीनों हीरो इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं और बाकी भी काफी सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, बट दीज ऑल आर नेचुरल। लाइक वी ऑल नो कि जस्ट हर्ब्स अपने आप में बहुत अच्छा एक आयुर्वेदिक ब्रांड है, किसी भी तरह के इसके अंदर हार्मफुल केमिकल नहीं है जो हमारे स्किन को, हमारे हेयर को डैमेज पहुंचा सकते हैं। सो मैं आपको बता दिया है कि कैसे आपको यूज करना है। शैम्पू से पहले भी आपको एज ए हेयर मास्क आप लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके बाल
अच्छे से साफ सुथरे होने चाहिए। एंड अगर आपको एज ए कंडीशनर अप्लाई करना है तो एज ए कंडीशनर भी लगा सकते हो, बट मिनिमम आपको 10 से 15 मिनट अपने बालों में इसको रखना है ताकि जो प्रॉपर प्रॉपर्टीज है इंग्रेडिएंट्स की वो आपके बालों को मिल सके। सो या दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड उसके बाद आपको करना होता है एक अच्छा सा शैम्पू। एंड मैं हमेशा अपने वीडियोज में आपको बताती हूँ जो सल्फेट वाले शैम्पूज होते हैं, हार्मफुल केमिकल वाले शैम्पू होते हैं, उनसे बचे। वो ही हमारे बालों का सबसे बड़ा कारण होता है डैमेज होने का। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आप देख लो, ड्राइनेस की, फ्रिजीनेस, या फिर आपके बाल बहुत टूट रहे हैं, गंजापन स्टार्ट हो रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं टाइम से पहले ही, इन सबके पीछे का रीज़न होता है गलत गलत गंदे गंदे केमिकल्स हमारे बालों में लगाना। बट जस्ट हक का ये जो शैम्पू है, कि सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला होने के साथ साथ आपके बालों को बिल्कुल भी ड्राई एंड फ्रिजी नहीं करता है। काफ़ी शैम्पूज मैंने यूज़ किए हैं जो कि मतलब हर्बल है बट आपके बालों को इतना ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। यू कैन इमेजिन, मैंने आज हेयर वॉश किया है, यू कैन सी माई हेयर, लाइक इतना नरिश लग रहे हैं। मैंने कोई भी सैरम वगैरह अप्लाई नहीं किया है, जस्ट ये तीनों प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। एंड लिटरली मतलब मेरे बालों में बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ड्राइनेस है या फ्रीजीनेस है। तो इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि बालों को साफ तो अच्छा करता ही है, साथ ही साथ में बालों में एक नरिशमेंट होती है उसको प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे एसेंशियल ऑयल है। तो वो ऑयल क्या करते हैं, प्रॉपर फूड हमारे बालों को प्रोवाइड करते हैं। तो आई मस्ट से, अगर आपको ड्राइनेस एंड फ्रीजीनेस की प्रॉब्लम है ना, तो एक बार जरूर से ये वाला शैम्पू परचेज कीजिए। लिटरली मुझे ऐसा लगा कि इसने मेरे बालों में वॉल्यूम दी है, बाउंस दिया है, और एक प्रॉपर नरिश लग रहे हैं, हाइड्रेटिंग लग रहे हैं मेरे हेयर। सो या दिस इज द सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है गाइज, दैट इज एक अच्छा सा कंडीशनर यूज करना। काफी बार मुझे लोग बोलते हैं कि दी हम शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर स्किप कर सकते हैं क्या? प्लीज कंडीशनर को स्किप मत कीजिए। बेसिकली शैम्पू आपके बालों से डर्ट को हटाता है, एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करता है, बट कंडीशनर क्या करता है, आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। तो ड्राइनेस एंड फ्रीजीनेस नहीं होंगे बाल, आपके बालों को जो पीएस लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है, हाइड्रेट करके रखता है। तो एक अच्छा सा कंडीशनर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये जो कंडीशनर है जस्ट हब्स का, इसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, दीज आर विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड, जो कि बेसिकली आपके बालों को सॉफ्टन अप करता है, स्मूथ बनाता है बालों को। तो प्लीज कंडीशनर को स्किप कभी भी मत कीजिए, हमेशा शैम्पू के बाद एक अच्छा सा कंडीशनर यूज कीजिए। बेसिकली ये तीनों जो प्रोडक्ट्स है ना सिर्फ आपके बालों को ड्राइनेस एंड फ्रीजनेस से बचाएंगे, हेयर फॉल को कंट्रोल करेंगे, बल्कि आपके स्कैल्प को नरिश रखेंगे, आपके बालों के रूट्स, जो फॉलिकल्स होते हैं हमारे बालों के रूट्स के, उनको स्ट्रांग बनाएंगे, जिससे कि ओवरऑल जो हेल्थ होती है हमारे बालों की वो हमें मिलती है। सो तीनों प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, केमिकल फ्री तो है ही है यार, मतलब किसी भी तरह के सिलिकन, पैराबेन, सल्फेट वगैरह, कोई भी अदर इस तरह के हार्मफुल केमिकल इसके अंदर नहीं है। तीनों प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आप जस्ट हब्स की वेबसाइट से इसको परचेज करते हो एंड कोड लगाते हो नीलम S15, तो आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वैसे भी अभी बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो एक बार जरूर से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, लिंक्स मैंने सारे आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो या गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।